So today we are going to start with the third pillar of our economic reforms or new economic policy, which is globalization. So far we have discussed two pillars of new economic policy, namely liberalization and privatization, right? Coming to the third pillar of new economic policy, globalization. Globalization simply means bete integrating our economy with other countries of the world. See, after 1947, say, we had isolated ourselves from other countries of the world. हमने अपनी इकोनॉमी को एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी बना रखा था. हमारा दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन बहुत कम हो गया था. ना सिर्फ ट्रेड कम था, इवन फॉरेन कैपिटल का आना जाना, यानी फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आना या इंडियन कंपनीज का फॉरेन में जाके अपने यूनिट सेटअप करना, वो बहुत कम था. थर्डली, मूवमेंट ऑफ पीपल वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम से इंडिया टू अदर कंट्री और फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया. बट नाउ वी रियलाइज्ड इट इज द टाइम टू इंटीग्रेट अवर सेल्स विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा था, अपनी इकोनॉमी को हमने लिबरलाइज किया, लिबरलाइजेशन में हमने एक एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स किए, तो वो इसीलिए किए क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे. ठीक है, सो दिस इज ग्लोबलाइजेशन. इंटरेक्शन, फ्री इंटरेक्शन ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यू मस्ट हैव हर्ड yourself saying or others saying that today world is a global village. Suna hai kabhi? Pura world jo hai, wo global village ki tarah ban gaya hai. Yani jo distance hua karta tha ek country ka dusri countries ke saath, bete wo distance physically to utna hi hai. Abhi aisa nahi hai ki US India ke nazdeek aa gayi hai. Physical distance utna hi hai. Lekin technological changes ke karke हमारा वो जो डिस्टेंस है एक कॉन्टैक्ट करने का उनके साथ या उन तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है. हम उनके साथ घुल मिल गए हैं. ठीक है, सो द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. इट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ free flow of goods and services. Earlier, was the flow of goods and services free? Free का मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में. Free का मतलब क्या है? Without restrictions. So earlier, say before 1991, was the free flow of goods and services allowed? You people know now, was it allowed? IPR 1956 emphasized on a self-reliant economy. So in order to have a self-reliant economy, we followed inward-looking trade policy. Kaun si policy follow ki thi humne? Inward-looking trade policy. जिसका मेन फोकस था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर. यानी हम कहते थे, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते थे, ये गुड आप इंपोर्ट कर रहे हो, इसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में बनाओ, हमें नहीं है इंपोर्ट करना. व्हाट डज इट इंप्लाई? वॉज देयर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? नो, वी हैड फॉलोड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी where we were not allowing free import of goods. So other countries were not allowing free import of goods to their countries as well. So export or import restricted the. Theek hai? But now globalization emphasized on integration of one country with other countries of the world in terms of, number one, free flow of goods and services.
गुड्स फ्रीली एक्सपोर्ट करो, फ्रीली इंपोर्ट करो. एंड देन मच एम्फेसिस वाज लेड ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. अर्लियर सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमने सुना था. सर्विसेज जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती थी, देवर ओनली शिपिंग, इंश्योरेंस. आज बहुत सी सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती हैं. आगे करेंगे डिटेल में इसके बारे में भी. बट ऑल दैट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ अवर इकोनॉमी विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ, नंबर वन बोलेंगे सब, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑफ ट्रेड. सेकेंडली फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कैसे आती है? जब MNCs इंडिया में आती हैं. अर्लियर बिफोर 91 वी वर नॉट अलाउइंग MNCs इनटू अवर कंट्री. ऑल ऑफ यू नो द रीजन. टेल मी एनीवन, टेल मी वन वर्ड, व्हाई वर वी नॉट अलाउइंग MNCs इनटू इंडिया? क्या ब्रिटिश आपका डिबेट चल रहा है? मैं कॉलेज के बच्चे को, दिल्ली के कॉलेज के बच्चे को डिबेट में पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही. क्यों नहीं दे रही? आई एम प्रोटेक्टिंग यू. ठीक है. सो सेम हैपन्ड. इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. सो फॉरेन कैपिटल वॉज नॉट अलाउड. बट नाउ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन economies were integrated by allowing free flow of capital. Now MNCs can come to India. Indian companies can go outside India and set up their enterprises there. Clear? Globalize ho rahi hai na? Aapas mein interdependence badh rahi hai ya nahi badh rahi? To jis cheez se interdependence badh rahi hai, usse economy globalize hogi. Thirdly, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सोनल. पीपल वर नाउ अलाउड टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू एन अदर कंट्री विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस. इज इट क्लियर? एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कैन कम टू इंडिया. स्टूडेंट्स कैन गो आउटसाइड इंडिया टू स्टडी. अर्लियर ऑल्सो इट वॉज अलाउड बट देन रिस्ट्रिक्शंस वर देयर. Now these restrictions have been removed to a large extent. So this is how we globalized our economy. ठीक है. और आज आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी एक आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है. आप कोई भी एक चीज, मैं आपको बोलूं आपके घर में रेफ्रिजरेटर कौन सा है, तो आप कोई भी, मुझे लगता है इंडियन ब्रांड का नाम नहीं लेगा. टीवी कौन से ब्रांड का है, कार कौन से ब्रांड की है, तो मैक्सिमम 80% लोग फॉरेन ब्रांड्स यूज कर रहे हैं. It is the result of globalization of our economy that we have access to all kinds of goods sitting in India, country goods which are made all over the world. कैसे किया हमने अपनी economy को globalize? कौन सी policies adopt की? What are the policy strategies promoting globalization in India? Getting my point? पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे हमारी इकोनॉमी बाकी कंट्रीज के साथ घुल मिल गई, फ्रीली इंटरेक्ट करने लग गई, इंटीग्रेट हो गई, आपस में इनकी इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई, खिड़कियां दरवाजे खोल दिए गए. ठीक है, आइसोलेटेड नहीं है. फर्स्ट, रेजिंग foreign equity participation. Your commerce students, you know the meaning of equity. What is equity? Equity nahi pata? Commerce ke students hain. Share capital. Equity means share capital. To bete earlier कोई भी कंपनी में अगर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे, दे कुड इन्वेस्ट.
only up to 40% foreigners could invest only up to 40%. यानी अगर एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, तो फॉरेनर्स का हिस्सा इसमें कितना हो सकता था? 40 करोड़. नाउ द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वॉज रेज्ड फ्रॉम 40% टू 51%. 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज की लिस्ट बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. 47 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया, इसको कहा गया हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज. हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज मींस जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर डेवलप करने की जरूरत है. हाँ बताती हूँ, बता मुझे. 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज वर आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें कहा कि फॉरेन इक्विटी 51% तक हो सकती है. डू यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फिगर 51%? व्हाई नॉट 50? व्हाई 51? मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग हो गई उनकी, जिसकी 51% है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर. ठीक है. After that, this limit was raised to 100% again in some identified industries. ठीक है, पहले तो हमने ये करना ना, 91 में क्या किया, 91 में 47 high priority industries identify किए गए, जिसमें foreign equity participation 40% से बढ़ा के 51% कर दी गई. Thereafter, it was raised to 100% in certain specified industries. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे foreign investment का flow India में बढ़ेगा. Coke and Pepsi सब पीते हैं, ठीक है, ये 1991 में इंडिया में एंटर की थी. इससे पहले भी होती थी इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको निकाल दिया था. फिर थम्स अप ये वाला ब्रांड चलता था इंडिया में, जो कि इंडियन ब्रांड है. ठीक है, क्यों गवर्नमेंट ने निकाल दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा भी हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रही है और डिविडेंड सारा बाहर कंट्री में जा रहा है, वी कांट टॉलरेट दिस. लेकिन जब 91 में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन की, देन कोक एंड पेप्सी अगेन एंटर्ड इंडिया. ठीक है, हर वो कंपनी इंडिया में आएगी बेटे जिसको मार्केट मिल रही है इंडिया में. इंडिया इज अ मार्केट फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसेंटली इंडिया का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है. सो लोगों की डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो राइजिंग. दैट्स वाई ऑल दीज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, हुंडई है, सैमसंग है, एलजी है, ये सारी इंडिया में एंटर कर गई. फोर्ड है, क्यों? क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाकर इंडियंस को बेच सकती हैं, रेवेन्यू अर्न कर सकती हैं. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. सेकंड, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी. मैंने समझाया हुआ इसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी? लोअरिंग डाउन द वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. डॉलर था 50 रुपीज का, गवर्नमेंट ने डॉलर का प्राइस कर दिया. मैं एग्जांपल दे रही हूं, डीवैल्यूएशन हुई थी 20% जुलाई में, तो देखो सपोजिंग डॉलर की वैल्यू थी 55, गवर्नमेंट ने डॉलर की वैल्यू कितनी कर दी, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो रुपी की वैल्यू कम हो गई. 1/50 डॉलर थी, अब कितनी हो गई, 1/55 डॉलर. इससे क्या फायदा होगा, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. एक्सपोर्ट कैसे बढ़े,
डॉलर की परचेजिंग पावर बढ़ गई तो वो लोग हमसे ज्यादा इंपोर्ट करेंगे. दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इनकरेज होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इनकरेज होगी. वो कैसे? एक्सक्यूज, अगर वो $1,000 इंडिया में लेके आते हैं तो कितने रुपीस में कन्वर्ट होते थे? 50,000. अब वो $1,000 लेके आएंगे तो कितने में कन्वर्ट होंगे? सो दे आर इन बेनिफिट और नॉट? सो मोर इन्वेस्टमेंट विल बी कमिंग टू इंडिया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए, इन अदर वर्ड्स अपने BOP क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रुपी की डीवैल्यूएशन कर दी. दिस वॉज अनदर पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन. बेटे उसके बाद ये जो डीवैल्यूएशन का मेजर है ना, ये गवर्नमेंट रिजॉर्ट करती है ओनली ड्यूरिंग एमरजेंसी, क्योंकि आज जो ये जो करेंसी की वैल्यू है ये गवर्नमेंट नहीं फिक्स करती. कौन फिक्स करता है? मार्केट फोर्सेस. तो गवर्नमेंट तभी इंटरवीन करती है अगर एक्सट्रीम एप्रिसिएशन या एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन हो जाए करेंसी की वैल्यू में. और बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं होता. जब हम अपनी रुपी की वैल्यू ज्यादा बढ़ाते हैं उसका हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं, रादर नुकसान होता है. वो कैसे? जब वैल्यू कम की तो एक्सपोर्ट्स प्रमोट हुए ना, वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमें उसका कोई खास फायदा नहीं होगा. ठीक है, ऑल राइट. देन बेटे अनदर पॉलिसी मेजर इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. कन्वर्टेबिलिटी का मतलब समझ लो पहले, कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी एट मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, एट मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. उस टाइम पे बेसिकली दो मार्केट्स चल रही थी, एक जो फ्री मार्केट ओपन मार्केट और दूसरी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का प्राइस फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंट होता था फ्रॉम दैट ऑफ ओपन. ठीक है, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का ऑफ रुपी का मतलब आप अपने करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो या डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो मार्केट में जाके एट मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. अब पार्शियल का मतलब क्या? मतलब फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं हुई, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए ही ये अलाउड थी. दिस कन्वर्टेबिलिटी वाज अलाउड ओनली फॉर फ्यू ट्रांजैक्शन. उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं करंट अकाउंट. सो रुपी वॉज मेड कन्वर्टेबल Only on current account. हमारा जो BOP होता है, जो हमारी economic transactions को record करता है, वो दो parts में record करता है. एक current account transactions, दूसरी capital account transactions. तो current account की transactions को government ने allow कर दिया कि आप इनको जाके market rate of exchange पे convert कर सकते हो. अब ये कौन कौन सी थी transactions? मैंने पहले भी बताया था, रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए, मुझे $1,000 आए. इन डॉलर्स को मैं मार्केट में जाके कन्वर्ट करवा सकती हूँ रुपीस. ठीक है, मुझे बैंक जाके नहीं करवाने की जरूरत, बैंक की नॉलेज में लाने की, गवर्नमेंट की नॉलेज में जरूरत नहीं है मुझे लाने की. I can simply get it exchanged at market rate of exchange. Similarly, मैंने investment की हुई है foreign country में, shares खरीदे हुए हैं foreign company के, उन्होंने अपना dividend declare किया और मुझे dividend भेजा, $1,000 dividend भेजा. I can get it convert at market rate of exchange. Similarly, remittances from abroad, foreign countries में, just wait. So in case I have got some remittances from abroad, ठीक है, मुझे वहां से कोई गिफ्ट ग्रांट डोनेशन या ब्रदर ने डॉलर भेजे,
तो उसको मैं कन्वर्ट करा सकती हूँ रुपी में, ठीक है। सो ऑल दीज ट्रांजेक्शंस हैव बीन मेड कन्वर्टेबल, सो रुपी हैज बीन मेड कन्वर्टेबल ओनली ऑन करेंट अकाउंट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। लेटर ऑन इट वॉज मेड कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, इस बार गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम 1992 टू 1997। इट वॉज मोर लिबरल पॉलिसी। मेन इसमें हमने क्या करना है, दिस पॉलिसी वॉज ए लिबरल पॉलिसी। इससे पहले जो हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते थे वो लिबरल नहीं होती थी, यानी रिस्ट्रिक्शंस होती थी फॉरेन ट्रेड के ऊपर। सो दिस टाइम वी इंट्रोड्यूस्ड अ लॉन्ग टर्म एंड लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन इन कस्टम्स एंड टैरिफ्स, ये भी हम एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में कर चुके हैं। ये सारे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स ही हैं, देखो ना। आप एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करोगे तभी तो इकोनॉमी ग्लोबलाइज होगी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ये इंडिया है, ये बाकी कंट्रीज हैं, इनके साथ ये घुल मिल रही है। ये एक्सटर्नल आरओडब्ल्यू एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करोगे तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। नाउ रिडक्शन इन कस्टम्स एंड टैरिफ। कस्टम्स पता है आपको, जब भी गुड्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कस्टम्स ड्यूटी। इट वॉज एज हाई एज 250%। मतलब 100 रुपए का गुड इंडिया में जब एंटर करता था तो वो 350 का बिकता था, राइट। बट नाउ वी वॉन्टेड टू अलाउ द एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है। सो वी रिड्यूस्ड इट टू 2004-05 की मैं फिगर बता रही हूं, इट वॉज रिड्यूस्ड टू 30% इन द बजट ऑफ 2004-05 and then 2019 September 2019 mein it was further reduced to 22%। check kar lijiye figure, 250% thi 2004-05 ke budget mein 30% tak ho gayi, September 2019 mein 22%, theek hai। So these were the reforms introduced to globalize our Indian economy. Now, what are the merits and demerits of globalization? This we can discuss. We can have a discussion on it. No? What do you think would be the merit of globalization? Compare your economy or your situation with that of 1991, when we were, you know, like in school or college, like you people. And now that you people are in school and college, what do you think is the difference in the lifestyle? Did we have access to such a large variety of goods and services? No. Now you have an access to large variety of goods and services. Yes? Any other? स्टैंडर्ड, हाँ वही हो गया कंज्यूमरिज्म, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया क्योंकि यू हैव लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेम पॉइंट। यस कंपटीशन, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द कंपटीशन, एज अ रिजल्ट कंपटीशन का फायदा किसको होता है, कंज्यूमर को, उसको ज्यादा बेटर क्वालिटी गुड मिलता है लो प्राइस पे मिलता है। हम दोनों सेम गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारी मार्केट है, ये चाहती है सब मेरा गुड खरीदे, मैं चाहती हूँ सब मेरा गुड खरीदे। कैसे कैप्चर कर सकते हैं, हमारे पास क्या तरीके, एक तो क्वालिटी, बेटर क्वालिटी गुड देगा जो उसकी लेंगे, दूसरा प्राइस जो कम प्राइस पे देगा, ठीक है। फिर बेटे ग्लोबलाइजेशन से सर्विस सेक्टर बहुत एक्सपैंड हुआ, आज हमारे GDP में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी टर्शरी सेक्टर की है, 53%। मतलब अगर 100 करोड़ की प्रोडक्शन होती है एक साल में तो 53 करोड़ की कहां पे हो रही है, टर्शरी सेक्टर।
सर्विस सेक्टर क्यों एक्सपैंड किया? एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. जब हमने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया तो हमें उसका एक आउटकम हुआ आउटसोर्सिंग. आपने प्लस वन में पढ़ा नहीं है क्योंकि बिजनेस स्टडीज में आपके सिलेबस में से डिलीटेड था, बट फिर भी डू यू हैव एनी वेग आइडिया व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग क्या होता है बेटे? जब कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपने प्रोडक्शन का कोई एक पार्ट, एक एक्टिविटी थर्ड पार्टी को दे देती हैं, खुद नहीं करती, थर्ड पार्टी से करवाती हैं, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग. अब इसका इंडिया के ऊपर क्या, कैसे कनेक्ट करते हो? एनीवन? जनरल अवेयरनेस है ये. कॉल सेंटर्स पता है क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स कस्टमर केयर सेंटर होते हैं. इंडिया में है बहुत ज्यादा है. कौन सी कंपनीज के हैं? फॉरेन कंपनीज के. फॉरेन कंपनीज हैव आउटसोर्स्ड देयर कस्टमर केयर सेंटर्स, कॉल सेंटर्स टू इंडिया. मतलब फॉरेन का कस्टमर जब फॉरेन कंपनी को फोन करता है तो वो फोन कहां पे कनेक्ट होता है? इंडिया में. सो आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ गई है. इसके अलावा और भी बहुत सर्विसेज जो है वो बढ़ गई बेटे. प्रोडक्शन बढ़ेगी, एमएनसीज आएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की जरूरत पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी. ये सब किस में आती है? सर्विस सेक्टर में आती है. ठीक है. देन इनएफिशिएंसी खत्म हो गई इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, एफिशिएंसी बढ़ गई. फॉरेन कंपटीशन आपने बता ही दिया. डीमेरिट्स क्या रहे? स्मॉल यूनिट्स को वाइप आउट कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने, क्योंकि स्मॉल यूनिट्स एमएनसीज का कंपटीशन नहीं झेल पाए. ये हमने टेंथ में भी पढ़ा है. सो देवर वाइप्ड आउट. देन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के आने से मोनोपोली जैसी सिचुएशंस अराइज हो गई. ठीक है. सो सच काइंड ऑफ डीमेरिट्स. बट देन यू कांट deny that globalization is the need of our.